हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 यस सर, 14th में हुआ। 14 में ही हुआ, 14 बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, प्रूव दैट a square plus 1 ab और ca। फिर दूसरा कॉलम है ab b square plus 1 cb। उसके बाद ac bc और c square plus 1 इज इक्वल टू, ये मुझे शो करना है 1 plus a square plus b square plus c square। 1 plus a square plus b square plus c square। अब जरा देखिए, जैसे कि मैं कोई भी कई, मान लीजिए तीन कॉलम्स हैं, मैं तीनों कॉलम्स को अगर ऐड कर दूं तो भी कोई मेरे को कॉमन टर्म आती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर मैं तीनों रोज को ऐड कर दूं तो भी कॉमन टर्म कुछ नजर नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, मैं ए स्क्वायर प्लस वन ए बी और ए सी, अगर मैं इनको ऐड भी कर देता हूँ तो मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरह से करना। आप एक काम करिए, यहाँ पर अकेला ये प्लस वन वाला टर्म है ये परेशान करता है मुझे। अगर मैं पहली रो की बात करूं तो पहली रो में मुझे ए दिखाई दे रहा है कॉमन, इसमें भी देखिए ए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी ए है, लेकिन ये जो वन है यहाँ पर ए नहीं है। तो आप क्या करिए, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में आप क्या करिए, आप रो वन में से जबरदस्ती ए कॉमन ले लीजिए। ऐसे ही रो टू अगर मैं देखू, मेरा वीडियो पॉज हो गया क्या? नो सर। अच्छा चलिए ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। सर पर थोड़ा अजीब सा हो रहा है, मतलब ऑल ऑफ अ सडन बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट आ रहा है। कोई नहीं, बीच बीच में हो जाता है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, मैंने देख लिया आप ठीक है। अब है टेक आउट ए कॉमन फ्रॉम आर वन, बी कॉमन फ्रॉम आर टू, सी कॉमन फ्रॉम आर थ्री। आर वन में से ए निकालो, आर टू में से बी निकालो, आर थ्री में से सी निकालो। बस एक एक टर्म अटक रही है यहाँ पर, उसका भी कुछ ना कुछ करेंगे, बस एक टर्म अटक रही है यहाँ पर भी। देखिए अगर मैं बी ले लू, ये बी आ जाएगा, यहाँ से भी बी कॉमन, यहाँ से भी बी कॉमन, बस वन अटक रहा है। तो क्या करेंगे, कॉमन लेने का मतलब तो डिवाइड करना होता है, तो अगर मैं बी कॉमन लूंगा तो वन वाली टर्म में हो जाएगा वन अपॉन बी। तो इसी तरह से हम कॉमन ले रहे हैं। अब मैंने कॉमन ले लिया तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो में से ए, सेकंड रो में से बी, थर्ड रो में से सी, यानी कि ए बी सी बाहर आ चुका है। तो मैं लिखूंगा ए बी सी, और अब देखिए डिटरमिनेंट का क्या होगा, जब ए स्क्वायर में से ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए, मतलब ए स्क्वायर इज गेटिंग डिवाइडेड बाई ए, तो वो बचेगा ए, और ये क्या हो जाएगा वन अपॉन ए। तो ए प्लस वन अपॉन ए, ए प्लस वन अपॉन ए, दूसरा टर्म केवल बी बचेगा, तीसरा टर्म केवल सी। अब इसी तरह से यहां पर देखिए, मैंने सेकंड रो में से बी कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा ए, यहां बचेगा बी प्लस वन अपॉन बी, और यहां बचेगा सी। ठीक है, उसके बाद अब क्या करें, अब क्या करें, अब देखिएगा, अब ले लीजिए यहां से सी कॉमन, ये बचेगा ए,
ये बचेगा बी और ये बचेगा सी प्लस वन अपॉन सी। सी प्लस वन अपॉन सी बताइए जी, समझ गए? इतना तो समझ में आ जाएगा। yes, sir. ठीक है, अब क्या करना है? अब आप एक काम करिएगा कि ये जो ए बी और सी है, मैंने इसको कहां से कॉमन लिया था? मैंने इसको कॉमन लिया था हर एक रो में से। ए लिया फर्स्ट रो में से कॉमन, बी लिया सेकंड रो में से कॉमन, और सी लिया मैंने थर्ड रो में से कॉमन। अब आप क्या करो, ये जो ए बी और सी है ना, इस ए को तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में, बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकंड कॉलम में, और सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए थर्ड कॉलम में। कुछ सोचकर बताओ ये चीज, ठीक है? अभी समझ में आ जाएगा कि मुझे जो चीज कॉमन लेनी है ना, मुझे वो चीज आती हुई नजर आ रही है। अब जरा देखिए कैसे। मैंने कहा कि मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई छोड़ो, आप लिखो अप्लाई, अप्लाई सी वन इज इक्वल टू ए सी वन, सी टू इज इक्वल टू बी सी टू, एंड सी थ्री इज इक्वल टू सी सी थ्री। देखिए जब ए यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा ये क्या हो जाएगा, ए इंटू, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में करते हैं, कॉमन लेते हैं तो भी किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से लेते हैं। तो ए मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसमें, तो ए स्क्वायर प्लस वन और ए स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर अगला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस वन और बी स्क्वायर। फिर सी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस वन। हो गया काम, जो चाहिए था वो मिल गया। अब क्या करेंगे, वन भी मिल गया, ए स्क्वायर भी मिल गया, बी स्क्वायर भी मिल गया, सी स्क्वायर भी मिल गया, यही चाहिए था, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दूसरा रो उठाइए तो वन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तीसरा रो वन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सब कुछ मिल गया। अप्लाई C1 is equal to C1 plus C2 plus C3, ठीक है? तो देखिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 plus A square plus B square plus C square, ठीक है? दूसरा 1 plus A square plus B square plus C square, 1 plus A square plus B square plus C square, और दूसरा कॉलम क्या बन जाएगा, B square plus 1 बोलिए। अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। yes, sir. अब क्या दिखाई दे रहा है, पहले कॉलम में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर निकाल दो, वही चीज जो मुझे प्रूफ में लेकर आनी है। तो आप लिखिएगा टेक आउट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर From C1, कॉलम बनने से बाहर निकालिए इसको। जब ये कॉमन कॉलम बनने से बाहर आ जाएगा, मैं इस तरफ कर रहा हूं यहां पर इसको, तो डिटरमिनेंट आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और मेरा पहला कॉलम बन जाएगा 1 1 1, दूसरा कॉलम बी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तीसरा कॉलम टी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया, ठीक है? अब क्या करेंगे, अब तो आप सब जानते ही हैं कि मेरे पास वन 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 आ गया, तो यूजिंग दिस मैं इसको जीरो बनाऊंगा और इसको जीरो बनाऊंगा। क्या करेंगे, अप्लाई आर टू इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन एंड R3 is equal to R3 minus R1. तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई 1 plus A square plus B square plus C square, ये तो है ही, ये R2 में चेंज हो रहा है और R3 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब R1 will remain the same,
अब क्या करेंगे, एक्सपैंड इट अलोंग, ये 100 बन गया ना, तो बस एक ही एलिमेंट बचा, तो एक्सपैंड इट अलोंग सी वन, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई 1 + a² + b² + c² ठीक है। ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ो, ये वाला कॉलम छोड़ो, 1 तो है ही, 1 × 1 = 1 − 0 × 0 = 0 is equal to 1 + a² + b² + c² is equal to RHS 2। बताइए समझ में आ गया, समझ गए सब कुछ? अच्छा ठीक है, 14th आप सभी लोगों से नहीं हुआ, 14th को इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप, और जब पेपर डिस्कस करूंगा आपके साथ में तो आप देखना 14th क्वेश्चन बहुत बारी आया है एग्जाम में, मतलब हर 2-3 साल में रिपीट हो जाता है, और चेंज क्या करते हैं, कभी एबीसी की जगह पीक्यूआर कर देंगे, कभी एक्सवाईजेड कर देंगे, लेकिन बेसिक जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का वो यही रहता है। तो 3-4 टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही हैं डिटरमिनेंट्स के जो बहुत रिपीट होते हैं, फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, उनमें से एक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको। मुझे बताइए 15 और 16 हो गया, ईशान सर 15th नहीं हुआ, 15th नहीं हुआ, अच्छा चलिए जी बताता हूँ, एक मिनट रुकिए, 15th में क्या है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, बेटा 14th वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर था ना, बता दो मेरे को शिवांगी की संजना आकृति आराध्या, यस सर, चलिए ठीक है। अब सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, क्वेश्चन नंबर 15 में है ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, मतलब हम कहेंगे लेट ए इज इक्वल टू, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो ना ऑर्डर 3x3 की, तो आप लिख लो यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये लिख लिया, इसका ऑर्डर लिख लीजिए क्या है 3x3, ये हो गया हमारे पास ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि देन के ए डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, ये बात करते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं इसमें, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए ठीक है, तो पहले ना जैसे मैट्रिक्स है मेरे पास ए, तो ऐसे ही पहले मेरे को निकालना होगा के ए, पहले ये निकालूंगा मैं, जब मैट्रिक्स में किसी एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ठीक है। जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जब डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो किसी एक रो में होगा या किसी एक कॉलम में होगा। अब ध्यान से समझना, ये मैट्रिक्स है, अभी ये डिटरमिनेंट नहीं है क्योंकि उन्होंने बोला है लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक। अच्छा तो के ए का मतलब हो गया बेटा इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद ईच एलिमेंट, के ए के बी के सी के डी के ई के एफ और के जी के एच और के आई। नाउ टेक डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लीजिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू
कुछ भी नहीं, जो मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो चेंज होकर मॉडुलस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो के ए के बी के सी के बी के ई के एफ के जी के एच एंड के आई, ये हो गया। अब क्या करेंगे आप, यहां पर लिखिए एनएचएस को ऐसे ही रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ के ए लिखिएगा इन द आरएचएस टेक आउट के कॉमन फ्रॉम आर वन, के कॉमन फ्रॉम आर टू, के कॉमन फ्रॉम आर थ्री। याद रखिए अगर मैट्रिक्स होती ना तो पूरी मैट्रिक्स में से एक एलिमेंट कॉमन निकाला जाता है, लेकिन अगर डिटरमिनेंट में कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो में से या किसी एक कॉलम में से निकालता हूं मैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि पहली रो में भी के आ रहा है, दूसरी रो में भी के आ रहा है, तीसरी रो में भी के आ रहा है। तो पहली रो में से के निकाला, के आ गया, दूसरी रो में से के निकाला, एक और के आ गया यानी कि के स्क्वायर, और तीसरी रो में से भी के निकाला, एक और के आ गया यानी कि के क्यूब। बता दो फिर ऑप्शन क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है ईशान? सी ऑप्शन सी, के क्यूब आ गया, और ये अंदर बचेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और ये क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये क्या था ए ही तो था, और अब मॉडुलस लगा हुआ है तो मॉड ए कर दो यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, ए क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन सी। सभी को क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं, अब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल में ना मैं एक बार समझाऊंगा और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसमें, हम कुछ रिकॉल करेंगे जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो। देखिएगा मैं इसको मिटा रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल में जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वो क्या था, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी and C are respectively x1y1, comma x2y2 and x3y3, then area of triangle ABC, capital A, इसको मैं ना ऐसे करता था कि 1/2 और modulus लगाते थे यहाँ पर, और फिर हम क्या करते थे x1 into y2 minus y3, मतलब sequence ऐसे रहेगा बाहर x अंदर y, 1 2 3 बीच में minus का sign, plus x2 2 y3 minus y1, मतलब 2 के बाद में 3 आएगा और 3 के बाद फिर से 1 आ जाएगा, तो 2 3 1 प्लस x3 into y1 minus y2 और मॉड क्लोज। याद करिए यही था, यही था जो 10th में करा था। यस सर। x1 into y2 minus y3, हमने कहा सीक्वेंस 1 2 3 का सेम रहेगा जैसे कि हम वेक्टर्स में किया करते थे, ये है 1, ये है 2, ये है 3, पहले 1 आया
उनके बाद में टू, टू के बाद में थ्री, वन टू थ्री, ठीक है, उसके बाद एक्स टू, तो टू आया, टू के बाद में थ्री, थ्री के बाद में वन, टू थ्री वन, ठीक। उसके बाद में हमने कहा कि अब सबसे पहले थ्री आ गया, तो थ्री आया, तो थ्री के बाद में वन और वन के बाद में टू, थ्री वन टू, तो सीक्वेंस हमेशा सेम रहेगा, जैसे एक साइक्लिक ऑर्डर चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई रटने वाली। अब जरा देखें कि ये डिटरमिनेंट से कैसे कोरिलेट होता है, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, एग्जाम में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में तो आप ये फॉर्मूला सीधा रखो और आंसर निकालो। एक नंबर का क्वेश्चन होता है, देखिए मुझे पैटर्न करा ना इस साल, जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर वाले, उसमें एक नंबर का क्वेश्चन आता है इसका। देखिए हम ये कहेंगे कि बाय द मेथड ऑफ डिटरमिनेंट्स area is given as A is equal to half x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, ये करते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे x1, x2, x3, यहाँ लिख लेंगे y1, y2, y3, और ये क्या है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ट्रायंगल के। तो अब आप सीधा सीधा इसको एक्सपेंड कर दो, जैसे आपको एक्सपेंड करना, आप ये कहिए एक्सपेंडेड अलोंग r1, r1 के अलोंग एक्सपेंड करिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, ब्रैकेट आएगा, यहां मॉडुलस आता है, इसमें ब्रैकेट आएगा। ये पहला टर्म होता है बेटा प्लस का, दूसरा टर्म होता है माइनस का, तीसरा टर्म होता है प्लस का। तो x1 इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, y2 into 1 y2 minus y3 into 1 y3, तो x1 into y2 minus y3, सही है, पहला वाला टर्म आ गया। अगला विद अ माइनस साइन, माइनस x2। अब देखिए इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, क्या आ जाएगा, y1 into 1 y1, y3 into 1 y3, y1 minus y3, बात तो वही है। आप यहां से माइनस कॉमन निकाल लो तो क्या बन जाएगा, y3 minus y1 बन जाएगा, ही माइनस कॉमन निकालती माइनस माइनस प्लस, समझ गए, समझ गए कि नहीं, बोलो। यस सर, यस सर, ठीक है। अगला टर्म प्लस का, तो प्लस x3, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, y1 into 1 y1, y2 into 1 y2, तो y1 minus y2, bracket close, हो गया काम। तो अगर ये लगता है कि नहीं भाई मैं तो दिखाना ही चाहता हूं, तो दिखा दो। आप एक काम करना, x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, ये दिखाकर और उसके बाद सीधा ये फॉर्मूला लिख देना और x1, x2, x3, y1, y2, y3 की वैल्यू डालकर आंसर निकाल देना एरिया। बताइए क्लियर है। और इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 17 है, एग्जाम्पल नंबर 17 में करा नहीं हूं, आप अपने आप कर लेना, x1, x2, x3, y1, y2, y3 की वैल्यू डालनी है बस, ठीक है। एग्जाम्पल 17 अपने आप करना, एग्जाम्पल नंबर 18 में बता देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या है, जरा पढ़िए अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी है तो। ये बता रहा हूँ साइड से, हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 18 दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1 3 एंड d 0 यूजिंग डिटरमिनेंट्स एट पॉइंट k, इफ d k 0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल abd इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। आप लोग समझ गए होंगे यहां तक है। एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग a 1 3 एंड d 0 0,
इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग A13 एंड B00 A13 एंड B00 यूजिंग डिटरमिनेंट्स using determinants and find k if dk comma 0 dk comma 0 is a point such that the area of triangle such that the area of triangle ABD is 3 square units find the equation of the line joining A13 B00 जब मेरे को equation चाहिए ना line की जब line की equation चाहिए होती है हमको तो हम ये कहेंगे कि एक पॉइंट तो ये ए है ये पॉइंट बी है तो ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बेटा 1 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0 0 इस पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट जो है वो क्या होगा एक्स कॉमा वाई कोई फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स होगा सेकंड वाई होगा इसको कह दिया मैंने पॉइंट सी ठीक है तो जब मैं इक्वेशन निकालूंगा लाइन की तो लाइन की इक्वेशन किस तरह से निकलेगी ये वाई और एक्स के टर्म्स में निकलती है आपको पता होगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है लाइन की तो मैंने कहा कि मैंने लाइन स्ट्रेट लाइन ए बी है इस पर कोई एक पॉइंट ले लिया एक्स वाई लेट सी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन ए बी तो अगर कोई तीन पॉइंट्स कोलिनियर है याद करिए वही टेंथ वाली चीज अगर कोई तीन पॉइंट्स कोलिनियर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये करा था कि अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनकी वजह से एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड कितना हो जाएगा जीरो भाई इन तीनों पॉइंट्स की वजह से कोई ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा है और जब ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है तो ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा जीरो बताइए क्लियर है कि नहीं समझ गए यस सर तो हम ये कहेंगे क्लियरली एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ए बी सी विल बी जीरो इसका मतलब हाफ मॉडुलस लगाने जरूरत नहीं है क्योंकि वेरिएबल दे रखा है एक्स और वाई हाफ एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो भाई ये जो 1/2 है ये 2 इधर 0 से जाकर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा एक्स वन क्या है 1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री वाई टू क्या है वाई और वाई थ्री क्या है 0 प्लस एक्स टू क्या है एक्स इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन वाई थ्री है 0 और वाई वन है 3 तो 0 माइनस 3 प्लस x3 क्या है x3 है बेटा 0 इनटू y1 माइनस y2 3 माइनस y इज इक्वल टू 0 ये फर्स्ट टर्म आ गया मेरे पास y सेकंड टर्म आ गया माइनस 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3x रिक्वायर्ड इक्वेशन बताइए समझ गए y is equal to 3x is the required equation
ये सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे इन्होंने क्या पूछा है कि using determinants and find k if d k zero is a point such that the area of triangle ABD is 3 square units। करोगे ये वाला क्वेश्चन? ये देखिए ये है a की वैल्यू क्या है, ये है 1 3, b है 0 0 और d है k कॉमा 0। बेटा ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। आप x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 ये फॉर्मूला लगाकर उसको 3 के बराबर रख देना, 3 स्क्वायर यूनिट्स है उसका एरिया, तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। बताइए करवाऊं या कर लेंगे इसको? हो जाएगा बताओ? हो जाएगा। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ 4.3, ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करिए 4.3। ठीक है, आगे का फिर करते हैं, कल टाइम मिला तो कर ले लूंगा, नहीं तो परसों ले लूंगा एक्स्ट्रा क्लास, करवा दूंगा कंप्लीट। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 बहुत बेसिक, बहुत छोटी सी आसान सी एक्सरसाइज है, निपटा लेना इसको। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। चलिए जी, ओके बाय, गुड नाइट। Good night, sir. Good night, good night. Sanjana, clear है जो कराया?